हाय गाइस, आज हम बात करेंगे सैमसंग गैलेक्सी S22 और S22 प्लस की। और शायद से आपको ना पता हो, बट इन फोन्स की गैलरी ऐप के अंदर जो है हमें पिक्सल वाले फीचर मिल जाते हैं जो बहुत ज्यादा एडवांस है। सारी बातें डिटेल में करेंगे, बट उससे पहले अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हो तो मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बात। आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो ऐसी वीडियोस के लिए, साथ में बेल आइकॉन भी प्रेस कर सकते हो। खैर, अगर बॉक्स कंटेंट की बात करूं तो S22 से शुरू करते हैं गाइस। और इस बार जो है बहुत कॉम्पैक्ट फोन बताए जा रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी एक्साइटमेंट बनी हुई है सैमसंग फैंस में। और यहां से इसको पुल कर देते हैं, अभी के लिए मैं नहीं देखूंगा इनको, क्योंकि मैं एक्साइटमेंट आप लोगों की क्रिएट करके रखना चाहता हूं। और नीचे की साइड जो हमें पाउचेस मिलते हैं, और दोनों निकाल लेते हैं, सेम एक अनबॉक्स एक्सपीरियंस रहेगा। चार्जर नहीं है बॉक्स में, आपको अलग से खरीदना पड़ेगा, तो खोल लेते हैं। यहाँ पर सिम इजेक्टर टूल है और बाकी अंदर का सामान निकालते हैं सारा। तो यहाँ पर डेटा केबल है जो कि टाइप सी टू टाइप सी है। डॉक्यूमेंटेशन कहाँ पर है यार? डॉक्यूमेंटेशन हमें यहाँ पर रखी हुई मिल जाती है, क्विक स्टार्ट गाइड है और थोड़े बहुत और पेपर वर्क है। सब कुछ रख देते हैं साइड में। फर्स्ट इंप्रेशन की बात करो तो फोन बहुत ही हल्के और छोटे फील हो रहे हैं। तो मैंने दोनों को स्टैक अप कर दिया है और आपको साइज डिफरेंस का पता लग गया होगा कि S22 इतना छोटा है। लाइक हाँ, मेरे को तो ये भी कॉम्पैक्ट लग रहा है S22 प्लस, सच बताऊं तो। और ये तो है ही भाई बहुत छोटा। लाइक ये बहुत कंफर्टेबल फोन है, अगर किसी को लाइक छोटे कंफर्टेबल फोन पसंद है तो मैं उनको ये बहुत प्यार से रिकमेंड कर सकता हूं। इसकी बात करूं तो देखो, इस साल जो आपने नोटिस करा हो तो दोनों के कैमरा मॉड्यूल हल्के हल्के चेंजेस है। पिछले साल में मेल्ट होकर आ रहा था फ्रेम के साथ और इस बार अलग से लगाया है। बाकी मैट फिनिश होना मेरे हिसाब से सबसे कूल बात होती है, हर किसी को मैट फिनिश पसंद आती है। और फॉर अ चेंज इस बार S22 भी जो है ग्लास बैक पैनल के साथ आ रहा है। सीरियसली मुझे ऐसा लगा था कि S22 जो है प्लास्टिक ही आएगा, लेकिन ग्लास होना एक बोनस है। और जो दोनों फोन का फ्रेम है ना, ये आर्मर एल्यूमिनियम के साथ ही आया है। S22 अल्ट्रा भी इसी ड्यूरेबिलिटी के साथ आया था। बहुत मस्त बात लगी, फोन के राइट साइड में हमें पावर बटन यहां पर मिलता है और साथ में वॉल्यूम रॉकर्स ऊपर मिल जाते हैं। तो मेरे को ये फेवरेट पोजीशन लगती है, क्योंकि एक हाथ से तीनों बटन हम एक्सेस कर सकते हैं। और फोन की लेफ्ट साइड जो है पूरी प्लेन रखी हुई है, बस दो एंटीना बैंड्स है। और अगर आप व्हाइट कलर लेते हो तो वहां पर शाइनी मिलेगा आपको फ्रेम और उस पे स्मजेस आएंगे। ध्यान से सुनना, एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। जो यहां पर ये पावर बटन है, वॉल्यूम रॉकर है ना इन फोन के, इनका जो ब्रैकेट है वो रिसाइकल प्लास्टिक बोतल और फिशिंग नेट से बना हुआ है, तो ये एनवायरमेंट बचाए ये छोटी छोटी चीजें। और फोन में नीचे की तरफ स्पीकर्स, टाइप सी पोर्ट और यहां पर जो है हमें सिम ट्रे मिल जाती है जो कि डुअल सिम है गाइस। और यहां पर जो है रबर कोटिंग भी है इसको लाइक आईपी रेटिंग देने के लिए, और ये रेटिंग भी जो है IP68 है। और स्पीकर की प्लेसमेंट यहाँ होना बेनिफिट है, क्योंकि अल्ट्रा में यहाँ पर था और यहाँ पर होने की वजह से ब्लॉक हो जाता था स्पीकर। ऊपर है तो ब्लॉक नहीं होगा, आप मस्त गेमिंग कर सकते हो ऐसे। मुझे इंटरेस्टिंग है ना इसका फ्रंट पार्ट लग रहा है गाइस। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, सबसे ज्यादा यूनिफॉर्म बेजल्स यहाँ पर मिलते हैं। इतने यूनिफॉर्म है कि नीचे और ऊपर वाला एग्जैक्टली सेम लगता है। इसकी वजह से डिस्प्ले काफी इंटरेस्टिंग और एस्थेटिकली करेक्ट लग रही है। अल्ट्रा में फिर भी चिन थोड़ा सा मोटा था, जबकि वो महंगा फोन है। और ड्यूरेबिलिटी की बात करूं, ओह माय गॉड, दोनों में जो है गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस है, तो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फॉर श्योर इन फोनों को जो मैं लंबे समय के लिए बिना केस के यूज करूंगा, और आपको और ज्यादा बेटर बताऊंगा कि स्क्रैचेस कितने लग रहे हैं। और जो लोग इंटरनेशनल ट्रेवल करते हैं, खैर 5G अभी तक इंडिया में नहीं आया है, बट 16 5G बैंड मिलते हैं, जो कि ह्यूज पोर्टफोलियो है 5G बैंड्स का, अच्छी बात है। एक और बोनस ये है सिक्योरिटी के अंदर कि यहां पर हमें अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, जो कि बहुत सिक्योर होता है और काम अच्छा करता है। अगर आप कॉन्टेंट बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हो तो शायद से फोन आपको बहुत पसंद आएंगे, क्योंकि इस S22 के अंदर जो है ना 6.1 इंच की डिस्प्ले है गाइस। और यहां पर देखो ये 5.8 इंच के आसपास का पिक्सल 4a है। और आप देखो ना, साइड बाय साइड इनको अगर मैं स्टैक भी करता हूं, सेम साइज लग रहा है। और यहां पर जो हमें ज्यादा डिस्प्ले मिलती है ऑब्वियसली कम बेजल्स होने की वजह से, तो भाई ये काफी कंफर्टेबल मेरे को फॉर्म फैक्टर लगा है। और सबसे अमेजिंग बात तो ये है कि ये फोन एक हाथ में फिट आ रहा है S22 प्लस, और इसका जो स्क्रीन साइज है वो 6.6 इंचेस है, तो इसमें कंटेंट कंज्यूम करना खुद में बहुत ग्रेट बात होगी। और अगर आप कॉर्नर से भी इस डिस्प्ले को देखते हो तो वीन एंगल्स बहुत ज्यादा कमाल के, और फ्लैट डिस्प्ले है ये, बिल्कुल भी कर्व होकर नहीं आ रही है इधर। इसी बात पे कंटेंट चला के दिखाता हूं। स्पीकर्स एक्चुअली में काफी लाउड है, क्योंकि डुअल है ना, और साथ में डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी है। शायद से आपको ये बात ना पता हो कि जो S22 प्लस है ये 1750 निट्स की ब्राइटनेस के साथ आता है, जो कि वर्ल्ड में सबसे ब्राइटेस्ट डिस्प्लेस में से एक है अगर फोन इंडस्ट्री की बात करूं तो। और ये जो S22 है छोटे वाला, इसमें 1300 निट्स की ब्राइटनेस है। और मैं आपको बता सकता हूं, धूप में ले जाके दिखा दो यार, दोनों फोन अपनी मैक्सिमम ब्राइटनेस पे है और काफी अच्छे से विजिबल है, तो ये चीज मैं कंफर्म कर सकता हूं। और S22 प्लस तो देखो कितना ज्यादा विजिबल है।
और मैंने एक और चीज नोटिस करी, डिस्प्ले सेटिंग में जाके एडेप्टिव ब्राइटनेस जैसे ऑफ करते हो तो एक्स्ट्रा ब्राइटनेस का ऑप्शन आ जाता है और ये कुछ ज्यादा ही ब्राइट हो जाता है, आप लोग देख ही लो। साथ में इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है, अगर आप रात को फोन यूज करते हो तो यहां पर आप प्लस में जाके ये वाला फीचर ऑन कर सकते हो जो कि है एक्स्ट्रा डिम। और मैं अगर डिम कर दिखाऊं, चिली में नहीं मिल रहा है अब यार और लोगों की हेल्प लेनी पड़ रही है। फाइनली रिकवर हो गया हमारी ब्राइटनेस। उससे पहले आप लोग पूछो तो हाँ भाई, हमें एडेप्टिव रिफ्रेश रेट मिल जाता है 48 हर्ट्ज से लेके 120 हर्ट्ज तक दोनों जाते हैं, पर इससे जो थोड़ी सी बैटरी भी बचती है। और 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट है और जैसे कि मैंने बताया था गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस मिलती है, तो हाँ भाई ड्यूरेबल फोन्स में से एक है। और सच बता रहा हूँ, जितना मैं इन फोनों को टेस्ट कर रहा हूँ ना आप लोग को बताते बताते सारी बातें, मुझे S22 का फॉर्म फैक्टर बहुत पसंद आने लगा है। और बैटरी डिपार्टमेंट की बात करूँ तो जो S22 है वो 3700 mAh बैटरी के साथ आता है और जो S22 प्लस है वो 4500 mAh बैटरी के साथ आता है। ट्विस्ट यहां पर आता है चार्जिंग टेक्नोलॉजी में, क्योंकि देखो S22 प्लस फिर भी मैं सेटिस्फाइड हूं, 45 वॉट मैक्स चला जाता है, आप चार्जर खरीद सकते हो, लेकिन S22 जो है 25 से ऊपर नहीं जाएगा, 25 वॉट से ऊपर चार्ज नहीं होगा। आई विश सैमसंग ने जो है S22 को भी 45 वॉट पे रखा होता। और टेकी लोगों को ये बात पता होगी कि जो स्नैपड्रैगन 8 जेन 1 है जो इन दोनों फोन में प्रोसेसर लगा हुआ है वो पावर हंग्री प्रोसेसर है, तो मैं सच में टेस्ट करना चाहता हूं कि इनकी बैटरी लाइफ कैसी रहेगी। खैर अगर परफॉर्मेंस की बात कर ले तो यहां पर जो है हमें फ्लैगशिप लेवल का हार्डवेयर मिलता है जैसे कि UFS 3.1, काफी अच्छी स्टोरेज है, काफी अच्छी हाई स्पीड के साथ आती है। बट यहां पर अच्छी बात मेरे को ये भी लगी कि दोनों फोन में हमें जो है स्टेनलेस स्टील का कूलिंग सिस्टम मिलता है, नहीं तो नॉर्मली जो है यहां पर हमें कॉपर की हीट पाइप दे देते थे। स्टेनलेस स्टील जो है हीट को बहुत सही कंट्रोल करता है। और भी फ्लैगशिप फीचर्स है जैसे कि रिवर्स वायरलेस चार्जिंग 4.5 वाट पर है अगर अपने ईयरफोन्स या फिर अपने आप स्मार्ट वॉच को चार्ज करना चाहो, और ऊपर से वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है 15 वॉट पे, और LPDDR5 भी मिल जाती है। और इन सबको अगर मैं मिक्स करूं तो इसलिए मैंने फ्लैगशिप हार्डवेयर बोला था। और अगर मैं यहां पर N22 स्कोर या फिर Geekbench स्कोर की बात करूं तो मैंने सब रन किए, आप इसके भी स्कोर्स देख लो, अच्छे आए हैं। और मैं पर्सनली इंटरेस्टेड था S22 का CPU थ्रॉटलिंग का ग्राफ देखने के लिए, क्योंकि छोटा फोन है, देखते कि हीट कैसे है, मतलब लाइक मैनेज करता है और थ्रॉटल करता है नहीं। आपको मैं साथ दोनों के ग्राफ दिखाता हूं जिससे आपको पता लग जाए, डिसेंट ग्राफ है। खैर गेमिंग से पूरा अंदाजा लग जाता है कि फोन कितना केपेबल है। जैसे कि COD मैंने चलाया था, यहां पर जो है वेरी हाई मैक्स सेटिंग्स मिल जाती है। हल्का सा गेम प्ले और करते हैं। फिर मैंने BGMI भी चेक करा, उसकी सेटिंग्स थी अल्ट्रा HD और उसमें जो है 40 FPS पे चल रहा था, और HDR एक्सट्रीम पे 60 FPS पे चल जाता है। फिर से गेम प्ले देखो। इनफैक्ट सैमसंग की जो One UI है वो बहुत अच्छी मानी जाती है, 4.1 इसके अंदर देखने को मिलता है। और यहाँ पर हमें प्राइवेसी डैशबोर्ड भी मिल जाता है जिसके अंदर रियल टाइम में दिखता है कौन सी ऐप जो है माइक कैमरा वगैरह यूज कर रही है, आप ब्लॉक भी कर सकते हो। साथ में सैमसंग की नॉक सिक्योरिटी भी मिल जाती है, और मैं ऐसे एज्यूम करके चल रहा हूं अगर आप इतना महंगा फोन खरीद रहे हो तो प्राइवेसी मैटर करती होगी। तो प्राइवेसी के यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स है, और एंड्रॉइड 12 है तो जैसे ही आप कैमरा ऑन करोगे आपको ऊपर इंडिकेट हो जाएगा या फिर माइक का भी इंडिकेशन मिल जाएगी। ये चीजें सच में वैल्यू एड करती है। और एंड्रॉइड वर्ल्ड में सबसे बड़ी जो है अपडेट साइकिल मेरे हिसाब से सैमसंग ही दे रहा है, क्योंकि 4 साल के हमें जो है OS अपडेट मिलेंगे और 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट। ये बहुत बड़ी कमिटमेंट है इस एंड्रॉइड वर्ल्ड के अंदर। ये जो बीच वाला कैमरा है 50 मेगापिक्सल का है और ये नए कैमरे सेंसर के साथ आता है जो कि ज्यादा लाइट कैप्चर करेगा, और ये वाला जो है 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, और नीचे वाला 10 मेगापिक्सल का 3x ऑप्टिकल जूम के साथ आता है। और जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं कि पिछले साल के S21 या फिर S21 Plus से कंपेयर करूं तो इस साल इन्होंने कैमरा काफी अपग्रेड करा है, और फ्रंट कैमरा जो है 10 मेगापिक्सल का है। बहुत सारे एडवांस फीचर भी है जैसे कि AI स्टीरियो डेप्थ मैप, अगर आप लो लाइट में पोर्ट्रेट मोड से फोटो खींचोगे ना तो आपके छोटे से छोटे बाल को भी वो अलग कर सकता है, या फिर अगर आप चश्मा पहनते हो तो जनरली ना उसके ऊपर फेल हो जाता है ब्लर करना, वो बोले चश्मे को भी ब्लर कर देता है, इसमें ऐसा नहीं होगा। इनफैक्ट ये चीज मैंने खुद टेस्ट करी है, और महंगे से महंगा फोन उठा लो वो ये वाला पार्ट ब्लर कर ही देता है मेरे चश्मे का, और इनफैक्ट इसने नहीं किया, ये बहुत बड़ी बात बन जाती है। और ये वाली जो टेक्नोलॉजी है फ्रंट और बैक दोनों कैमरे में मिलती है, और इन दोनों फोन की जो OIS है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव कर दी है सैमसंग ने, और इन फोन के हम सारे लेंसेज से जो है प्रो मोड में शूट कर सकते हैं, तो यहां पर हर एक चीज का कंट्रोल मिल जाता है। और अगर आपको और ज्यादा कंट्रोल चाहिए और ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप एक्सपर्ट रो इंस्टॉल कर सकते हो अपने फोन में, और फिर 16-bit की रो फोटोज खींच सकते हो, इससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन कैप्चर हो जाती है, फिर बाद में एडिट कर सकते हो अपनी फोटोज, काफी अच्छी फोटोज खींचता है, ये पंच लाता है फोटोज के अंदर कलर का। इनफैक्ट अगर मैं यहां पर 3x जूम कर दिखाऊं तो यहां पर भी
अच्छी खासी डिटेल मिल जाती है और मजा आता है 30x के अंदर। जैसे कि 3x जूम होने के बाद भी 30x के अंदर ये काफी सारी डिटेल मेंटेन कर गया। अल्ट्रा तो जो है 100x तक चला जाता है, बट ये 30x भी काफी इंप्रेसिव है, क्योंकि यहां से यहां आना खुद में इंप्रेसिव है। बहुत सारी फोटोज खींचने के बाद मुझे फील हुआ कि बहुत ही कंसिस्टेंट रिजल्ट आते हैं इस कैमरे से। जैसे कि मैं यहां पर अलग अलग लेंस से भी फोटोज खींच रहा था ना, तो कोई भी कलर डिफरेंस नहीं था, ये खुद में एक अच्छी बात है। और नाइट मोड मुझे पर्सनली फील हुआ कि कुछ ज्यादा ही इंप्रूव्ड है, क्योंकि अगर नाइट मोड ऑफ और ऑन करके आप फोटोज देखोगे तो आपको एक अच्छा खासा डिफरेंस मिलेगा। फ्रंट कैमरा भी काफी अच्छा है यार, काफी सैचुरेटेड फोटोज खींच लेता है, अच्छी डिटेल मेंटेन कर लेता है, स्किन टोन भी ठीक रहती है, चाहे वो पोर्ट्रेट मोड में क्यों ना हो। जिस फीचर की मैंने स्टार्टिंग में बात करी ना, मैं आप लोग को वो दिखाता हूं। एडिट में गए हम लोग, ये 3 डॉट के अंदर ऑब्जेक्ट रिमूव है। अगर मैं चाहूं कि पीछे ग्लोब ना आए तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं, इरेज पे दबाता हूं, और देखना ये ऐसे इरेज कर देता है कि जैसे कुछ पीछे था ही नहीं। ये मुझे बहुत लाइक मैजिकल फीचर लगा। और अगर आप पोर्ट्रेट मोड से फोटो खींचोगे ना, तो आप जो बैकग्राउंड भी बहुत अलग अलग तरीके से चेंज कर सकते हो इसका। देखो यहाँ पर जो है, जैसे कि मैंने मतलब कलर चूज करा था, और इसकी भी इंटेंसिटी में मतलब पिक कर सकता हूँ। मेरा रियल बैकग्राउंड यही था जो आप लोग देख रहे हो, और इसको पूरा ऐसे भी बना सकता हूँ। और ये वाला फीचर तो मैं इस वाली फोटो पे दिखाऊंगा गाइज, ये बहुत इनसेन फीचर है। स्टूडियो लाइटिंग पे जाते हैं और साथ में ये सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखोगे ना, मेरे फेस के इस साइड पे ज्यादा लाइट नहीं है, और अगर मैं लाइट देना चाहूं तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, और देखो पूरे फेस पे इवन लाइटिंग आ गई है, और मैं इसको भी मैनेज कर सकता हूँ इस वाले बार से। दोबारा करके दिखाता हूँ, देखो कम करना चाहूँ, ज़्यादा करना चाहूँ, तो अगर कभी इस वाली साइड पे लाइट नहीं हुई तो मैं प्रोसेसिंग में जाकर ला सकता हूँ कहीं पे भी। इनफैक्ट ऐसे और भी फीचर्स है, अगर आप चाहते हो अपनी फोटोज में से शेडो या फिर रिफ्लेक्शन रिमूव करना, तो वो भी पॉसिबल है। तो यहाँ पर बात को समझो, आपके हाथ में इतना कंट्रोल है फोटोज का कि वो हर एक चीज बाद में आप ठीक कर सकते हो। और वीडियो की बात कर लेते हैं, हम जो है मैक्सिमम 8K 24 FPS रिकॉर्ड कर सकते हैं बैक कैमरे से, और फ्रंट कैमरा जो है 4K 60 FPS तक चला जाता है। और मेरे हिसाब से वीडियो की स्टेबलाइजेशन भी काफी अच्छी होगी, क्योंकि OIS बहुत ज्यादा इंप्रूव करी है इस साल इन लोगों ने। अब कंक्लूजन की बात करते हैं, जो यहां पर S22 है वो 73,000 आता है बेस वेरिएंट, और ये जो S22 प्लस है वो 85,000 जाता है इसके बेस वेरिएंट। और जैसे कि मैंने बीच में बताया था ना आप लोग को कि जितना मैं इस फोन को यूज कर रहा हूं ना S22 को, ये कॉम्पैक्ट होने की वजह से यार बहुत अच्छा लगा है मुझे। अगर आपको छोटे फोन पसंद है, एक बार इसकी तरफ जरूर नजर डाल देना, क्योंकि फीचर लोडेड फ्लैगशिप फोन तो है ही। और जो S22 प्लस है ना, इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर मिलते हैं जो S22 अल्ट्रा के अंदर है, तो जो ये प्राइस टैग है ना, ये काफी हद तक जस्टिफाई कर रहा है। और फोन तो देखो इंप्रेसिव की कैटेगरी में जरूर आ जाता है, बट हाँ मुझे ऑब्वियसली टाइम चाहिए, मैं और फोन को यूज करूंगा। आप लोग को तो बताइए, 7 से 15 दिन में फोन को यूज करता हूं, फिर फुल रिव्यू के अंदर और भी ज्यादा डिटेल बातें बताऊंगा। आई होप आपको ये वाली वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, और ऐसी वीडियोस और देखनी है तो आप यहां से देख सकते हो। बाकी सब्सक्राइब करके आप टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो, हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अभी मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।